स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज HTC ने एक नया मोबाइल लॉन्च किया है जिस सीरीज का, जिसे HTC U11 आज भारत में लॉन्च हो गया है। तो उसके क्या फीचर्स हैं और उसके क्या डिस्क्रिप्शन है, चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इस लाल रंग के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी ने नई दिल्ली में आयोजित एक इवेंट में इस स्मार्टफोन से आज अपना पर्दा उठा दिया। स्मार्टफोन में एस सेंस का फीचर लगाया गया है। इस फीचर से आपको अपने फोन से नए तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। आप फोन को किनारे से स्कीच करके यानी प्रेशर डालकर कई तरह से आज पे कमांड देख सकते हैं। HTC U11 की अगर मेन प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसमें Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप Snapdragon 835 प्रोसेसर लगा है। साथ ही इसका लिक्विड सरफेस डिजाइन इसे खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एसेंस की फीचर की। आप स्कीच जेस्चर्स जैसे फेवरेट एप्स या गेम्स इसमें लॉन्च कर सकते हैं, यानी किनारों को दबाकर आप कैमरा या ईमेल भी ओपन कर सकते हैं। स्कीच जेस्चर को विभिन्न एप्स के लिए कस्टमाइज भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल के लोग देखें तो स्कीच करने और स्कीच करके होल्ड करने पर अलग अलग एक्शन किए जा सकते हैं। ग्लव्स पहनने पर भी ये फीचर बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी आपको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ग्लव्स पहन के काम करें या फिर ऐसे ही हाथ से काम करें। HTC U11 एंड्रॉइड 7.1 नौगट पर आधारित कंपनी ने अपने HTC Sense UN पर रन करता है, UI पर रन करता है। ये ड्वेलेसिस स्मार्टफोन है। इसमें 5.5 इंच के क्वाड HD 1440 और 2560 पिक्सल सुपर LED डिस्प्ले लगा है। इस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन लगाई गई है जिसमें 2.45 GHz का ऑक्टा कोर Qualcomm Snapdragon 835 प्रोसेसर लगा है। भारत में इसे 6GB रैम वाला वेरियंट लॉन्च किया गया। अभी भारत में इसमें 6GB का ही लॉन्च किया गया। इसकी इंटरनल मेमोरी 128GB है। इससे स्मार्टफोन में 2TB तक microSD कार्ड लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा 2TB तक। HTC U11 का बैक कैमरा 12 MP का है जिसमें 1.4 माइक्रोन पिक्सल अल्ट्रा स्प्रेड ऑक्टोपस BSI सेंसर OIS और F1.7 ऑप्टिकल डुअल LED फ्लैश स्लो मोशन और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में भी पूरी तरह। कैमरे में फेस डिटेक्शन और प्रो मोड और 32 सेकंड एक्सपोजर रॉ फॉर्मेट सपोर्ट करता है। HDR बूस्ट और हाइपर लैक्स सेल्फी कैमरा 16 MP का है। इसमें फुल HD रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इस स्मार्टफोन में बैटरी की बात करें तो इसमें 3000 mAh की बैटरी लगी है। कंपनी का क्लेम करती है कि इसमें आप 24 घंटे का टॉक टाइम और 14 दिनों का स्टैंड बाई टाइम दे सकती है। इसमें एक्सट्रीम पावर सेविंग मोड और किक चार्ज 3.0 सपोर्ट भी करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB 3.1 Type-C और NFC सपोर्ट करता है। HTC U11 को वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP67 रेटिंग मिली गई है। इसमें 2 A1 असिस्टेंट और हैं और गूगल Alexa और Amazon Alexa। फिंगरप्रिंट सेंस फ्रंट पर होम बटन के नीचे दिया गया है। इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं दिया गया। कंपनी फोन के साथ USB Type-C 2 3.5 mm देगी और इसकी कीमत है जो भारत में लॉन्च की गई है HTC U11 की 51,990 रुपए में। अगर आपको ये बजट में आता है तो आप इसको जाकर के खरीद सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।